मेरा फेसबुक पेज मोनिटाइज हो गया है, आज प्रोसेस बता रहा हूँ उस पर अपना अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझिएगा जो फेसबुक पे मोनिटाइज होने के बाद अपना अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। पूरा लाइव प्रोसेस के साथ बताऊंगा, आप सब अच्छा से देखिए और सीखिए, क्योंकि अगर कुछ भी गलती करते हैं तो फिर आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, तो फिर हमको मत बताना जो भाई पैसे नहीं आए हैं, क्योंकि आज जो समझाने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। आप इजीली समझिए और पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस देख लीजिए, ठीक है? उसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। देखिए मेरा स्क्रीन पे पूरा देख रहे होंगे, स्क्रीन जो है मोनिटाइज हो चुका है। इस मोनिटाइज पे जाके क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए सेटअप पे आउट अकाउंट है, उस पर क्लिक करेंगे। आपको क्या क्या करना है पूरा डिटेल से बताएंगे। ये देखिए ऊपर में मेरा नाम लिखा ही रहेगा, जो है जन्मतिथि रहता है, आपकी कंट्री कौन सा है वो आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, जब नेक्स्ट करेंगे तब ये देखिए आपको कंट्री आएगा और बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में हमेशा इंडिविजुअल या सोल प्रॉपर्टी दीजिएगा, आप तो कोई कॉर्पोरेट वाला है नहीं इसलिए वही दीजिएगा। उसके बाद फिर नाम आएगा, लीगल नेम आएगा, उसके बाद आपको प्राइमरी एड्रेस बोलना है। एड्रेस वो बोलना है जिस पे आपकी कुछ अगर भेजे तो वो आ जाए, आपके घर का एड्रेस होना चाहिए, कहीं दूसरे का एड्रेस नहीं है। तो मैं अपना एड्रेस लिख लेता हूँ, इसको ब्लर इसलिए कर दिया हूँ, अगर नहीं करूँगा तो ये गाइडेंस के खिलाफ हो जाएगा। आपको समझा रहा हूँ अच्छा से समझिएगा, ठीक है? इस पर देखिए एड्रेस लिख रहे हैं। उसके बाद जो है आपको बोलेगा टाउन या सिटी कहाँ पे है, उसके बाद आपका स्टेट बोलेगा, उसके बाद पिन कोड बोलेगा, आप पिन कोड डाल दीजिए उसमें। उसके बाद देखिए अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, उसके बाद फिर आएगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी भरिए। ईमेल आईडी भरने के बाद वो ईमेल आईडी भरिएगा, जब भी आपका रिसिप्ट या पैसा आएगा तो इसी ईमेल आईडी पे आपको बताएगा जो भाई आपका पैसा आ चुका है, ठीक है? उसके बाद आप देखिए आगू प्रोसेस, मेल आईडी भर लेते हैं पहले, क्योंकि देखिए यही चीज़ होता है भाई, आपकी किस्मत की लकीर होते हैं ये सब। आप उसके बाद ये देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर, इसमें पैन कार्ड नंबर डालना है, आपको पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए इसमें, ठीक है? पैन कार्ड नंबर आपका आ गया। उस नीचे में देखिए एक है वैट और जीएसटी, ये तो आप नॉर्मल हैं, अभी नॉर्मल वाले हैं तो आप करना नहीं है। नीचे में उस पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो देखिए, नेट थोड़ा स्लो हो गया है, पूरा अच्छा से बता रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद जो है बैंक ट्रांसफ़र, वायर और लिंक, ये तीनों आता है, ठीक है? आप अच्छा से देखिए और समझ में आ जाएगा क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? ये आप लिंक में जो है ना जो भी चीज़ इस पर बोल रहा है भरने के लिए उस पर भर दीजिएगा, इजीली हो जाएगा आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे लीगल नेम बोल रहा है, कंट्री या सब कुछ तो है ही, वो पहले दो ही ऑप्शन रहता था, अभी तीन ऑप्शन दे दिया है। नाम दीजिए, आईएफएससी कोड दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, हो गया। अब वायर ट्रांसफ़र में जाइएगा तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड मांगेगा, बैलेट ट्रांसफर अकाउंट ट्रांसफ़र पे जाइएगा तो यहाँ पे जो है ना ये बैंक ट्रांसफ़र पे अभी न्यू फंक्शन ही आया है, ये पूरा पहले नहीं था। इस पर आपको $25 होगा, अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन स्विफ्ट वाले में जाइएगा ना तो उसमें आपको ये जो है वायर ट्रांसफ़र इसमें $100 बनेगा तब आएगा, लेकिन इसमें पहले ही आ जाता था, ठीक है? इस पर देखिए एफसी कोड हो गया, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर जिस पर आप पैसा लेना चाहते हैं वो आ जाएगा, उस पर अच्छा से देखिए। उसके बाद जो है तीन ऑप्शन है, उसमें से आपका जो भी मन है ये सब भर लीजिए। उसको भरने के बाद देखिए आपको बताते हैं एक पॉइंट टू पॉइंट, एक बार चेक कर लेते हैं अकाउंट, क्योंकि हमारा भी गलती ना हो जाए, पता चले हमने इतना मेहनत किया हमारे अकाउंट भी नहीं आया, तो कभी भी गलत मत भरिए। उसके बाद लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर दीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक ये ना हो, क्रॉस ने चेक नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है? इस पर क्लिक कर दिए, अब आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप जो आएगा
वो आपको क्या करना है ये चीज देख लीजिए आप। सेकेंड स्टेप तक स्टेप हुआ है, फर्स्ट स्टेप आपने अच्छा से देखा है, आप इसमें कुछ भी गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर एक भी गलती कीजिएगा तो फिर सेकेंड स्टेप जो अभी होने वाला है इसमें आप अगर गलती करते हैं तो फिर पैसा नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, सेकेंड स्टेप करने से पहले ये फर्स्ट स्टेप आप एक बार जो है ना देख लीजिए अच्छा से किस तरीके से करते हैं। चलिए अब आपको सेकेंड स्टेप भी लेके जाते हैं और सेकेंड स्टेप बताते हैं। सेकेंड स्टेप पे आ गए हैं, यहाँ पे है आपको टैक्स इन्फॉर्मेट करना है, आपको टैक्स क्या क्या भर देते हैं वो चीज़ देना है, ज़्यादा चीज़ उस पर लगेगा नहीं। आप देखिए उस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर ज़्यादा कुछ भरना नहीं होता है। कंटिन्यू टू कृष्ण कुमार आपको जो है फिर से बोल रहा है लॉगिन करने के लिए हमें चेज है, इसलिए देखिए यहाँ पे जो है ना सबसे मेन दिक्कत यहीं पे होता है। आपको इसमें बोला है यूएस के सिटीजन हो अमेरिका का, उसमें नहीं भरना है। फिर उसमें देना है नाम, आप कौन सी कंट्री से हो, कंट्री तो आपको पता ही होना चाहिए, कंट्री इंडिया से हो तो इंडिया वाला सेलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेन नंबर तो है नहीं, तो उस पर पेन नंबर ही आपका ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है, क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, आपकी जितने भी एड्रेस रहेगा वो आपको भर के आ जाएगा। अगर आप चाहे तो सेकंड भी एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी उतना होता नहीं है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट करने के बाद आप देखिए आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 0% सर्विस पे क्लिक करना है, जो यूएस का 0% सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे में सब कुछ आ ही गया है। यहाँ पे देखिए आपको टिक करना है और सिग्नेचर करना है, मतलब आपका अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, जो भी है नाम लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद डेट तो आज का ही रहेगा, नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा आपको, पूरा फॉर्म को आप नीचे में टिक कीजिएगा और सबमिट कर दीजिए, आपकी ये चीज़ हो गया। उसके बाद ये चीज़ एक चीज़ और आएगा, ये देख लीजिए, ये भी समझ जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ये देखिए आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ये चेक करने के लिए व्यू पीडीएफ है, यहाँ पे पीडीएफ भी कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ठीक है, हमने भी स्क्रीनशॉट मार के रख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट करते ही आपको नेक्स्ट स्टेप पे खुलेगा। ये देखिए थोड़ा नेट भी स्लो है, इसकी वजह से भी ये सब हो रहे हैं, तो आपको अच्छा से समझना है। ये देखिए आपका हो चुका है, आप जब आप जाइएगा स्टार्ट में तो आपको बोल देगा यहाँ पे, ये देखिए चैनल मोनिटाइज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अकाउंट भी ऐड हो चुका है, आपको वेट करना है 24 घंटे के अंदर, वो आपको कॉन्फर्मेशन मेल भी आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाके आप जो भी चीज़ बोलेगा भर दीजिएगा, आप वीडियो शानदार शानदार बनाइए जिसे व्यू आए और अपना पैसा कमाइए, ठीक है। अब होप आप सभी समझ गए हैं और हमारे इस वीडियो